हेलो नमस्कार, मैं किशनगढ़ से हूँ, आशीष भुत्रा, भुत्रा मार्बल से। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे आपने कुछ फिनिशिंग का नाम सुना होगा कि एक तो कोई चीज़ पॉलिश करवाते हैं, एक लेदर फिनिश होती है, एक सैंड ब्लास्ट होता है, एक फ्लेमिंग होता है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सैंड ब्लास्ट, शॉर्ट ब्लास्ट, जो सैंड ब्लास्ट करते हैं उसमें ये दो पीस है, फर्स्ट और ये सेकेंड वाला। ये दोनों तो ग्रेनाइट का है, ये मार्बल पे सैंड ब्लास्ट हुआ हुआ है और ये ऑनेक्स पे हुआ हुआ है मार्बल पे। ये देखिए, ये मार्बल पे है और ये देखिए, ये भी मार्बल पे है, ये ग्रेनाइट पे हो गया, ये ग्रेनाइट। ये सैंड ब्लास्ट होता है जो स्पेशली खुरदरा किया जाता है, आप पोर्च वगैरह के लिए, एक्सटीरियर में, फ्रंट पे, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। ये ब्लैक ग्रेनाइट का है, ये स्टील ग्रे पे जो सैंड ब्लास्ट किया हुआ है, ये लवली ब्लैक पे है और ये ऑनेक्स पे है, वाइट वाले पे। तो ये चार तरह के मार्बल है जिन पे अपन ने सैंड ब्लास्ट कर रखा है, जो जनरली पोर्च वगैरह में आप यूज़ करो, वॉल पे करो, एक्सटीरियर में करो, जहाँ पे आपको आवश्यकता हो कि अपन को थोड़ा सा खुरदरा चाहिए। और इनकी रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसमें जो पर्टिकुलरली कॉस्टिंग आती है वो इसकी आती है 34 रुपये स्क्वायर फीट, 34 में हम आपको ये देंगे। ये वाला है वाइट में है, मार्बल पे किया हुआ है, ये वाला हम आपको दे देंगे 50 रुपये में। ये वाला स्टील ग्रे आएगा, ये भी 51 रुपये, 52 रुपये में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है रेट का, 51-52 रुपये, इसलिए कि किसी में जैसे शेड का फ़र्क आएगा थोड़ा बहुत ग्रेनाइट के, उसके अकॉर्डिंग रेट चेंज होगा, बाकी अदरवाइज 51-52 में ये मिल जाएगा। ये वाला जो ब्लैक पे किया होता है ये सबसे बारीक होता है और इसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है, 75 रुपये स्क्वायर फिट पड़ेगा। इसमें साइज़ हालांकि बड़े आएंगी, ये तो सैंपल है जो स्पेशली छोटे कट किए हुए हैं, अदरवाइज इनमें साइज आएगा 7, 8, 9, 10 फिट लंबे और 2, 2.5, 2.75, 3 फुट, ये लगभग इनकी चौड़ाई आएगी। ये देखिए चारों चीज़ सैंड ब्लास्ट है, खुरदरा किया हुआ है, कभी भी फिसलन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी इसमें। पॉलिश के अलावा दूसरा चीज, पॉलिश में कई जगह समस्या रहती है कि स्लिप ना हो जाए, इसलिए खुरदरा किया जाता है, इसके लिए ये मशीन से किया हुआ है सैंड ब्लास्ट।